Hello friends, welcome to Victor Mario Picks. Today's video about the Dwayne The Rock Johnsons. Dwayne The Rock Johnsons, एक एक्टर, म्यूजिशियन, प्रोड्यूसर, रेसलर के रूप में आज दुनिया इनको जानती है, पहचानती है। The Rock अपने अपकमिंग ड्रीम फिल्म ब्लैक एडम के प्रमोशन में बिजी हो चुके हैं। तब ब्लैक एडम यानी ड्वेन जॉनसन के बारे में बात करना बनता है। ड्वेन जॉनसन ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि उनका जन्म ही ब्लैक एडम प्ले करने के लिए हुआ था, क्योंकि उनको लगता है कि ब्लैक एडम की हिस्ट्री और उनकी खुद की हिस्ट्री एक सफर रहा है, एक हार्ड वर्किंग सफर रहा है। तो दोस्तों, आज ड्वेन जॉनसन के बारे में बात करना तो बनता है, तो वीडियो को बिना स्किप किए आगे देख लीजिए। 2 मई 1972 में जन्मे ड्वेन जॉनसन अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर से है। ड्वेन जॉनसन का पूरा नाम ड्वेन डगलस जॉनसन है, जो कि एक प्रोफेशनल रेसलिंग खानदान से बिलोंग करते हैं। लेकिन ड्वेन जॉनसन अपने रिंग नेम द रॉक से पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो चुके हैं। द रॉक ने अपनी डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी से कम्प्लीट की है। दोस्तों, ड्वेन जॉनसन अपने कॉलेज के एक फुटबॉलर प्लेयर रहे थे। उन्हें फुटबॉलर ही खेलना था और फुटबॉलर ही बनना था, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी एक चोट की वजह से फुटबॉल नहीं बन पाए। उनके बाद वे अपने खानदानी बिजनेस यानी रेसलिंग की ओर आगे बढ़े, और आगे का आप सभी को पता है कि उनके रिंग नेम द रॉक से आखिर दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। वो कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। द रॉक ने अपनी चोट और खामियों को दूसरे और कोई ना देख सके उस नज़रिए से देखा, और अपनी एक अलग ही पर्सनालिटी और आइकॉन के रूप में उसे तब्दील कर दिया फिल्मी कैरियर। द रॉक अब WWF और WWE में काफ़ी फेमस हो चुके थे, इसी वजह से उन्हें काफ़ी बॉलीवुड की फिल्मों की ऑफर आना शुरू हो चुकी थी। लेकिन वो अपनी पर्सनालिटी को मैच कर सके ऐसे फिल्म और ऐसे कैरेक्टर की राह देख रहे थे, और उन्हें ऐसी फिल्म आखिर मिल ही गई। बॉलीवुड की फिल्म द स्कॉर्पियन किंग के लिए उन्हें पसंद किया गया। ये फिल्म के लिए उन्होंने $5.5 million के लिए चुकाए गए। फर्स्ट लीडिंग रोल में सबसे ज़्यादा फीस लेने में द रॉक का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी है नाम। इसके बाद ड्वेन जॉनसन एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्म देते रहे, और अब बॉलीवुड उन्हीं के नाम से मशहूर हो चुका है। तो ड्वेन जॉनसन अब ब्लैक एडम के शूटिंग खत्म करने के बाद उसके प्रमोशन में बिजी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, फैक्टो मारियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। पीस।